नमस्कार आप देख रहे हैं अवध के सी टी हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में और हमारे साथ हैं तीन सौ उन्नीस पुरिया विधानसभा से ए आई एम आई एम के प्रत्याशी जिन्होंने अभी अभी अपना नामांकन दाखिल किया है महाराजगंज कलेक्ट्रेट में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं ए आई एम आई एम महराजगंज के जिला अध्यक्ष सरोवर खान साहब जानते हैं सर किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच जाएंगे हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है विकास का मुद्दा होगा जो पूरे पनियरा में विकास करना है हर वर्ग के लिए काम करना है और सबको ले के साथ चलना है ये मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं वर्तमान में और जाहिर सी बात है क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं इसी का जनता ने आशीर्वाद दिया आपको जिला पंचायत बनाया है क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पनियारा की जनता से खुला चुनौती है और आम मेरी बोलचाल है पूरे समाज के लिए हर वर्ग के लिए कि सभी ने पर्चा दाखिल किया एक पर्चा शमसाद आलम का है वजन कर लिया जाए जो बेहतर प्रत्याशी हो और जो लोगों के बीच रहे उसको वोट दिया जाए उसे विधायक बना जाए पनियारा का आदित्य जी कौन कौन सी सीट जो है महाराजगंज में ए आई एम आई एम प्रत्याशी उतारी महाराजगंज जनपद के अंदर दो सीटों पर सी मुस्लिम ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया एक पनियारा विधानसभा जो अभी आप आलम जी से गुफ्तु कर ही रहे थे और दूसरा सदर विधानसभा से जितेंद्र भारती जी चुनाव मैदान में हैं किस रणनीति के तहत ए आई एम आई एम जनता के बीच जाएगी क्या जनता से अपील करेगी पहली बात तो हमारी पार्टी का एक नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और मैं जैसे इतहादमी इसी पैटर्न पे महाराजगंज जनपद में भी काम कर रही है कि हमारी जितनी भागीदारी उतनी हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसी बेस के आधार पे आप देखें कि आज इस जनपद के अंदर पांच विधानसभा है किसी भी पार्टी ने किसी मुस्लिम को उम्मीदवार अपना नहीं बनाया है और हमने शमसाद आलम जी को एक मौका दिया है और यहाँ से सदर विधानसभा से जितेंद्र भारती जी को मौका दिया गया है और जनता के बीच हम जाएंगे मजलिस तार मुस्लिम की नीतियों और बैठे सदुद्दीन साहब की नीतियों को लेकर के और जनता आशीर्वाद से नवाजेगी इनशाला जाते जाते आखिरी सवाल जनता अगर आपको अपना आशीर्वाद देती है तो कौन सी ऐसी प्रमुख काम है जो आपकी प्राथमिकता में शामिल होंगे सबसे प्राथमिकता में हमारा रहेगा सड़क रोजगार और लोगों जो एक दूसरे से लोग दूर हैं उनको जोड़ करके भाईचारा की मिसाल पेश करना गंगा जमनी तहजीब पेश करना मुझ ये है मुझको चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से और बने रहिए और के सी के साथ धन्यवाद